राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सोलन में रेफरल सहायता केंद्र खोला गया है, जहां उन बच्चों का मार्गदर्शन किया जाएगा जिन्हें स्कूलों में जा रही मोबाइल स्वास्थ्य टीमें अस्पताल के लिए रेफर करेंगी। जब बच्चे सोलन के जिला अस्पताल पहुंचे तो रेफरल सहायता केंद्र का प्रतिनिधि उनकी रजिस्ट्रेशन कर उन्हें संबंधित चिकित्सक के पास भेजेगा। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिले डाटा से पता चल पाएगा कि किस क्षेत्र में किन किन बीमारियों का प्रकोप है। फिलहाल मोबाइल स्वास्थ्य टीमें स्कूलों में जाकर चुनी हुई 30 बीमारियों पर कार्य कर रही हैं। अगर इन 30 बीमारियों में से कोई बच्चा प्रभावित है तो उसे अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। अधिक जानकारी देते हुए रेफरल सहायता केंद्र पर तैनात अखिल शर्मा ने बताया कि सनर हेल्थ केयर और हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मिलकर कार्य कर रही हैं, ताकि बच्चों को स्वस्थ बनाया जा सके और साथ ही ये भी पता चल सके कि किस क्षेत्र में किन बाल रोगियों की ज्यादा संख्या है। अखिल ने बताया कि जिन बच्चों को स्कूल या आंगनबाड़ी में अस्पताल भेजा जाता है उन्हें चिकित्सा संबंधी परामर्श यहाँ दिया जाता है, ताकि अस्पताल आकर उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो। RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले व सरकारी आंगनबाड़ी के सभी स्टूडेंट्स जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के लिए अस्पताल रेफर किया गया है, उन सभी की चिकित्सा सुविधा के परामर्श हेतु हमने ये रेफरल क्योस्क स्थापित किया गया है। इसमें सरनर, जो कि बैंगलोर बेस्ड हेल्थ केयर कंपनी है, वह गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है।